ये घटना 21 अक्टूबर 1978 की है। 20 वर्षीय फ्रेडरिक वैलेंटिच ने सेसना 182 नामक विमान से अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी। फ्रेडरिक कोई नौसिखिय पायलट नहीं था, उसे लगभग 150 घंटे की उड़ान का अनुभव था। कम उम्र में ही वो एक कुशल पायलट हो चुका था। उसे चतुर्थ श्रेणी की इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी मिल चुकी थी, जो उसे रात में भी उड़ान भरने की अनुमति देती थी। उस शाम उसने मेलबर्न से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरी, एक कभी न खत्म होने वाले सफर के लिए। शाम को 7 बजे के आसपास उसने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अपने रेडियो पर बात की। उसने वहां उपस्थित अधिकारियों को बताया कि उससे लगभग 4,500 फीट की दूरी पर उसे एक विमान जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने उसे बताया कि इस समय वहां कोई एयर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या चीज थी? वैलेंटिच ने फिर बताया कि वो स्पष्ट रूप से देख सकता है उस अजीब से दिखने वाले विशालकाय विमान को, जो अपने चार प्रकाश पुंज की वजह से लगभग जगमगा रहा था। इसके बाद कुछ देर तक शांति छाई रही, लेकिन कंट्रोल रूम में उपस्थित अधिकारियों की दिलचस्पी अब तक बढ़ चुकी थी। उनके मन में कई तरह की आशंकाएं आ रही थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आशंकाओं को दूर करते हुए फ्रेडरिक रेडियो पर दोबारा लौटा। फ्रेडरिक ने रेडियो पर बताया कि उसे लग रहा है कि वो अजीब से दिखने वाला विमान शायद उसका पीछा कर रहा था। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने फ्रेडरिक से उस विमान का हुलिया बताने को कहा। फ्रेडरिक ने कहा कि ये किस तरह का विमान है, ये तो वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इस तरह का विमान उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये काफी लंबा था और इसके ऊपर एक हरे रंग का प्रकाश पुंज लगा था, जिससे काफी तीव्र प्रकाश निकल रहा था। उसने यह भी बताया कि पूरा विमान एक विचित्र तरह की धातु का बना लग रहा था। फिर कुछ समय रुककर फ्रेडरिक पुनः रेडियो पर आया। अब की बार उसकी आवाज में थोड़ा भय मिश्रित आश्चर्य था। उसने बताया कि वो विमान अब उसके विमान के ऊपर आ गया है, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर, और उसके विमान की ऊपर और नीचे परिक्रमा कर रहा है। फिर तुरंत ही कंट्रोल रूम में फ्रेडरिक के विमान से मिलने वाला सिग्नल बाधित होने लगा और रेडियो से खड़खड़ की आवाज आने लगी और अंत में सिग्नल कट गया। फ्रेडरिक के जो आखिरी शब्द कंट्रोल रूम के रेडियो पर सुनाई दिए, वे थे, ये कोई विमान नहीं है। कंट्रोल रूम के अधिकारी फिर दोबारा फ्रेडरिक से रेडियो संपर्क साधने में असफल रहे। फ्रेडरिक की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। इस घटना की गंभीरता को मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने समझा और फ्रेडरिक को खोजने के लिए खोजी अभियान चलाया। इस बड़े खोजी अभियान में समुद्री जहाजों के साथ साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लॉकहीड P3 ओरियन नामक विमान ने 8 और नागरिक विमानों के साथ हिस्सा लिया। इन सब ने मिलकर लगभग 1000 वर्ग मील के विशालकाय क्षेत्र में इस खोजी अभियान को अंजाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य से न तो फ्रेडरिक का पता चला और न ही फ्रेडरिक के विमान का। दूसरी दुनिया से आने वाली उड़न तस्त्रियों में विश्वास रखने वाले इसका कारण एक UFO द्वारा फ्रेडरिक और उसके विमान का अपहरण होना ही बताते हैं। खुद फ्रेडरिक के पिता ने बताया कि फ्रेडरिक का एलियन और UFO के अस्तित्व में काफी विश्वास था। फ्रेडरिक वैलेंटिच के गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान की छलांग शायद इतनी ऊंची नहीं है कि वो धरती और आकाश के बंधन को भेदकर दूसरी दुनिया में कदम रख सके।